हाय गाइस, दिस इज वीवू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया रेव्स। आज हम बात कर रहे हैं एक्सएल वेरिएंट की। आज हम रिव्यू करेंगे, वी विल बी ड्राइविंग द कार, वी विल बी टेकिंग द शॉट्स, वी विल बी डूइंग एक्सटीरियर एंड इंटीरियर थिंग्स। सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जानेंगे इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स और हर वो मुमकिन चीजें जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन जस्ट कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। और हम जानेंगे एक्सएल वेरिएंट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इसको बनाती हैं वैल्यू फॉर मनी और इसको बनाती हैं एक ऐसी गाड़ी जो आपके बजट में भी फुल होती है और आपकी नीड्स को एक्चुअली फुलफिल करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। और हम इसको आज रिव्यू करने वाले हैं ऑन द इंटरनेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाऊंगा कि फ्रंट प्रोफाइल से एक्सएल वेरिएंट एक्चुअली में कैसा लग रहा है। सो स्ट्रेट टू द फ्रंट प्रोफाइल, यहां पर आप देखोगे एक मैसिव ग्रिल, जानोगे कि यहां पर क्रोम का बहुत ही बेहतरीन यूज किया गया है एंड दिस क्रोम ट्रीटमेंट इज एक्चुअली लुकिंग सो डैम। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो कर्ट्स एंड क्रीजेस नजर आएंगे और निसान की बैजिंग जो है वो एग्जैक्ट पोजिशन की गई है बीच में। ये नया लोगो एक्चुअली निसान का है जो व्हाइट आउटर्स के साथ में आता है एंड क्रोम का आप जो है वो इसमें यहाँ पर यूज करने वाले हो। अगर इस ग्रिल की अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दिस इज द बिगेस्ट एयर डैम इन दिस सेगमेंट। ये बहुत ही बड़ा एयर डैम जो है वो ग्रिल यहाँ पर काम कर रही है। इसके जस्ट पीछे जो है कंडेंसर का यूज किया गया एंड साइड में जो है वो आप देखोगे कि हॉर्न यहाँ पर जो है वो प्लेस किया गया। कंडेंसर इज इजली यू नो इजली व्यूएबल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे लेके चलूँ तो प्लास्टिक की स्किड प्लेट अगर यहाँ पे यूज़ की गई है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर स्किड प्लेट बिकॉज अक्सर जो है वो मैनुफैक्चरर यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं और मेटल की जगह आपको प्लास्टिक यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आता है। अगर मैं थोड़ा सा हेडलाइट यूनिट की बात करूँ तो दिस इज द प्योर हेलोजन हेडलाइट यूनिट गाइज, और ब्लैकआउट की गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है एंड एक पार्क लाइट आपको दी गई है कोने में, तो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ पर रिफ्लेक्टर का भी यूज किया गया है एंड ब्लैकआउट किया गया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसकी हेडलाइट यूनिट, और कुछ इस तरीके की इसकी हेडलाइट यूनिट है। दिस इज द पार्क लाइट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्लियर लैंप इसको कहना ज्यादा बेहतर होगा। ब्लैकआउट किया गया है, यहाँ पर भी आप जो है वो एक DRL-ish फिनिश देखोगे, बट दीज आर नॉट द रियल DRL, बस इट माइट लुक लाइक अ DRL बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट DRL। थोड़ा सा नीचे लेके चलूँ तो यहाँ पर भी आपको जो है वो DRL की जगह क्रोम का यूज होता हुआ नजर आएगा। दिस इज नॉट इवन गेटिंग द फॉग लैम्प, जो इसका 20 बेस वेरियंट है उसमें फॉग लैम्प का यूज नहीं किया गया है। डुअल टोन ट्रीटमेंट अगेन यहाँ पर भी ब्लैकआउट किया गया है, तो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लेके चलूँ तो यहाँ पे क्रीसेस हैं, यहाँ पर आपको कैरेक्टर लाइंस देखने को नजर आने वाली है, अच्छी लग रही है। फिट एंड फिटिश इज क्वाइट डिसेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो मैं मतलब इसको खराब नहीं कह सकता, मतलब काफ़ी सही है, डिसेंट आपको जो है वो यहाँ पे फिट एंड फिनिश देखने को नजर आने वाली है। थोड़ा सा अगर मैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आपको गाइस लेके चलूं तो दिस इज द कॉम्पैक्ट SUV, दैट मींस कि ये 4 मीटर की श्रेणी में आने वाली गाड़ी है। टैक्स रिलैक्सेशन ऑब्वियसली हर एक मैन्युफैक्चरर को चाहिए होता है और ऐसे में आपके पास में होती है 3995 mm की एक गाड़ी जो बिल्कुल सही डिजाइन है डायमेंशन के हिसाब से। ORVM की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो ब्लैकआउट होता हुआ नजर आएगा पियानो फिनिश के साथ में। इनकेस यू वॉन्ट टू लुक हाउ द टर्न इंडिकेटर वर्क्स ऑन दिस ORVM, तो कुछ इस तरीके से जो है वो टर्न इंडिकेटर यहाँ पर काम करते हैं। मैग्नाइट की बैजिंग यहाँ पर भी आपको नजर आएगी क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में, निसान मैग्नाइट लिखा हुआ। थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके व्हील आर्चेस काफ़ी स्क्वायरिश दिए गए हैं एंड यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर रखा गया है, मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर, इसके बेस वेरिएंट में शायद यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को नजर आए। व्हील कैप जो है वो कुछ ऐसे ही डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में आता है। यू माइट थिंक कि ये जो है वो अलॉय व्हील है क्योंकि शेप इनका कुछ ऐसा ही है, बट दिस इज नॉट द रियल अलॉय व्हील, दीज आर द स्टील व्हील्स। और ये स्टील व्हील्स का साइज ये है कि स्टैंडर्ड रखा गया है, 195/60 रेडियल 16 इंचेस के जो टायर्स हैं वो एकदम स्टैंडर्ड हैं एंड किसी भी वेरिएंट में जो है वो भेदभाव एक्चुअली नहीं किया गया है कि छोटे वाले वेरिएंट्स में आपको 185 प्रोफाइल दिए हों या बिगर वेरिएंट में जो है वो 205 दिए हों। दीज आर वेरी डिसेंट साइज, मतलब जिस हिसाब का ये इंजन है उस हिसाब से 195 इज क्वाइट गुड एंड दीज माइट परफॉर्म गुड ऑन द रोड कंडीशन विच इंडियंस एक्चुअली फील। मैकफर्सन स्ट्रट आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा, अच्छा खासा ट्रेवल आपको देखने को नजर आएगा, ठीक ट्रेवल है। और द बेस्ट पार्ट इज द ग्राउंड क्लियरेंस दिस कार ऑफर्स, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज डिसेंट इनफ टू कवर द रोड्स वी आर हैविंग इन इंडिया। बहुत ही रफ रोड्स आप यहाँ पर देखते हो पॉट होल्स कवर करने के लिए, दिस इज द बेस्ट यू नो ग्राउंड क्लियरेंस वन कैन हैव। सेगमेंट की बात की जाए तो 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इज टॉप नॉच, जो कि आप नेक्सॉन में देखते हो। सोनेट एंड दिस कार इज हैविंग 205 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस विच इज
वेरी नाइस फॉर द कार्स एंड द रोड्स वी आर हैविंग. यहाँ पर भी आप प्लास्टिक की क्लैडिंग देखोगे, काफ़ी नीचे रखा गया है इस प्लास्टिक की क्लैडिंग को, ताकि ये स्क्रैचेस वगैरह जो है वो नीचे वाले पोर्शन में एक्चुअली ईजिली ग्रैब कर सके. यहाँ पर भी प्लास्टिक की क्लैडिंग है जो काफ़ी डीप जाती है, दैट इज़ गुड पार्ट. अगेन यू डोंट हैव एनी रिक्वेस्ट बटन हेयर. और यहाँ पर जो है वो रूफ रेल आप देखोगे, दीज आर द फंक्शनल रूफ रेल्स एक्चुअली. तो अगर मैं इसको हिलाऊँ तो पूरी गाड़ी हिलती है. यहाँ पे क्वार्टर मिरर भी दिया गया है एंड फ्यूल लिड इधर दिया गया है. और थोड़ा सा मैं आपको अगर पीछे लेके चलूँ, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर बैक प्रोफाइल इस गाड़ी की आपको देखने को नज़र आएगी. थोड़ा सा अगर मैं आगे इसके तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर जो है वो LED का यूज़ नहीं किया गया, बट हेलोजन है, काफ़ी प्रिटी डिसेंट आपको देखने को नज़र आएंगी. एंड स्प्लिटेबल टेल लैंप्स जो है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर दी गई है. डिफॉगर यूनिट हो, वाइपर यूनिट हो, ये दोनों ही जो है वो स्टैंडर्ड दिए गए हैं इस गाड़ी में, विच मेक्स दिस कार एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी. और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से आ जाती है. ऊपर आप देखोगे कि स्पॉइलर दिया गया है. स्पॉइलर का डिज़ाइन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा. हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत ही ईजिली जो है वो हाइड किया गया है इसका जेट, ये काफ़ी अच्छा पार्ट है. निसान का लोगो यहाँ पे, मैग्नाइट क्लीनली बहुत ही क्लीन और सटल वे में जो है वो यहाँ पर पेस्ट किया गया है गाइस. नीचे अगर मैं चलूँ तो डुअल टोन का आपको जो है वो बम्पर अगेन नज़र आने वाला है, सिल्वर एंड ब्लैक. इसके साथ साथ यहाँ पर ब्राउन की भी फिनिश दी गई है, तो ट्रिपल टोन इसको कहना ज़्यादा बेहतर होगा. आपको पार्किंग सेंसर्स 4 मिलते हैं बेस वेरिएंट से ही. रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो यहाँ पर दी गई है एंड कुछ डिफ्यूज़र जैसी पार्ट आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा. दीज आर नॉट द रियल डिफ्यूज़र, बट ठीक है, काम चलाने के लिए वी कैन कॉल देम डिफ्यूज़र. रिक्वेस्ट बटन बूट का एक्चुअली में यहाँ पर हाइड है एंड दो लाइट्स आपको नज़र आएंगी जो कि नंबर प्लेट्स की लाइट हैं एक्चुअली. और यहाँ पे एक जो है वो ग्रैब रेल दिया गया है, ग्रैब हैंडल दिया गया है जिसको पकड़ के आप इजीली जो है वो शट कर सकते हो. सो गाइस, दिस इज़ द 336 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो कि काफ़ी सही है. और अगर मैं लोडिंग लिप की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है. आपको एक्चुअल में हुक्स भी मिलते हैं जिसमें 2-3 किलो तक का सामान आप यहाँ पर जो है वो होल्ड करा सकते हैं दोनों ही जगह. ये 336 लीटर का जो बूट है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है गाइस, और सामान रख सकते हो ईजिली. दिस कैन होल्ड 4 सूटकेसेस, यहाँ पर 4-5 सूटकेसेस जो है वो ईजिली रख सकता है. हालांकि कंपटीशन की बात करूँ तो इससे कम आपको बूट स्पेस जो है वो ब्रेजा में मिलती है, XUV500 में मिलती है. 257 लीटर की उसकी बूट स्पेस है. उस हिसाब से मेरे ख्याल में दिस कार इज़ हैविंग द यू नो डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट उस केस में. पहले तो इसको बंद करते हैं, उससे पहले ये जो पोर्शन है यानी कि ट्रे दी गई है यहाँ पे प्लास्टिक की, वो आप देख सकते हो. और मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप जो है वो XL वेरिएंट के इंटीरियर से यहाँ पर चेकआउट करना चाहते हो. तो इंटीरियर्स के लिए मैं ये दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको देखने को नज़र आएगा. यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है, तो कुछ इस तरीके की फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि अच्छा लग रहा है काफ़ी. एंड आप डोर ओपनर भी देखो, प्लास्टिक का यहाँ पर भी यूज़ किया गया है. फिलहाल मैं इसके अंदर की लगा लेता हूँ, और की कुछ इस तरीके की गाइस आपको देखने को नज़र आएगी. लॉक अनलॉक का बटन, सिंपल एंड सोबर कीज़ दी गई हैं. निसान का पीछे लोगो एंड कुछ इस तरीके की फॉब. फिलहाल जिस सीट में मैं बैठा हूँ, दीज आर 4-वे एडजस्टेबल सीट्स, और हाइट एडजस्टमेंट आपको इसमें नहीं मिलता है. रिक्लाइन एंड इनक्लाइन आप कर सकते हो, आगे पीछे इसको जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर सकते हो. यहाँ पर जो है वो हेडलाइट लेवलर आपको देखने को नज़र आने वाला है. एंड यहाँ पर जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट, ऑफ वाइट कलर आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा. एंड ये जो AC की वेंट्स है सिल्वर फिनिशिंग के साथ में ही आपको यहाँ देखने को नज़र आएंगे. फिलहाल मैं अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग व्हील आपको गाइस यहाँ देखने को नज़र आएगा. नीचे से हल्का सा फ्लैट रखा गया है, नॉट दैट फ्लैट, बट हाँ आपको फील होगा कि हल्का सा फ्लैट जो है वो यहाँ पर रखा गया है. सोर्स के बटन्स हों या फिर यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो उसके लिए जॉयस्टिक दी गई है, विच इज़ गुड पार्ट. प्लस माइनस के बटन यहाँ पे, निसान की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी. कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन्स यहाँ पे, एंड म्यूट का बटन यहाँ पर दिया गया है. आपको थंब कंटूर भी यहाँ पे देखने को नज़र आएंगे. दिस इज़ नॉट लेदर रैप्ड, तो काफ़ी ठीक है. फिर भी मतलब मुझे स्टेयरिंग का डिज़ाइन काफ़ी सटल लगा. अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आप पैनल देखोगे तो वो जो है वो काफ़ी हद तक आपको जो है वो ट्राइबर की एक्चुअली गाइस याद दिलाने वाला है. तो ये देखिए LEDs का यहाँ पर यूज़ किया गया है. एंड इन केस यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट द कार, कुछ इस तरीके से जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है. तकरीबन 1500 RPM पे जो है ये रेव कर रही है. और यहाँ पर जो है वो डैशबोर्ड के सारे सिंबल्स हैं, लाइट के सिंबल अभी आपको नज़र आ रहे हैं. इस तरफ जो है वो सीट बेल्ट एंड हैंड ब्रेक के बटन्स नज़र आ रहे हैं. एक आपको बटन यहाँ पर भी दिया गया है. मेरे ख्याल में ये जो क्लस्टर है वो पार्ट शेयर्ड किया गया है. काफ़ी हद तक जो है ये रेनो की टेक्नोलॉजी है. एंड MID यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी सी आप देखोगे, जिसमें स्पीड
डिजिटल आपको देखने को नज़र आएगी। अगर मैं जूम करूँ तो आई गेस आपको देखने को नज़र आ जाए। एंड दिस इज़ द स्पीड डिस्टेंस टू एम्प्टी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर देखने को नज़र आने वाली है गाइस। फिलहाल ये तो इस तरीके का कुछ जो है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। फिलहाल मैं आपको इंटीरियर्स में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी इंटीरियर्स में और आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का जो है वो पैनल यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड ये पैनल मुझे लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो ये डुअल टोन ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है ये इस पैनल को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कि आपको क्लीन लगता है और थोड़ा एयरी भी बनाता है क्योंकि ऑफ वाइट कलर है तो आपको थोड़ा सा रूम में स्पेस ज़्यादा लगने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ में थोड़ा ये होता है लोगों को हल्का सा वो क्लस्ट्रोफोबिक फील देता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फील यू गेट व्हेन यू सी अ डार्क कॉम्प्लेक्शन इंटीरियर। अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के इंटीरियर देखोगे थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक लगता है कंपेयर टू ऑफ वाइट या फिर बेज कलर का जो इंटीरियर होता है उनसे। यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट, एसी वेंट्स आपने कुछ इस तरीके के देखे हैं एंड ऊपर की फिनिशिंग प्लास्टिक क्वालिटी की बात हो तो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। एंड अगर मैं बात करूँ फिट एंड फिनिश की तो हल्का सा मुझे फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम लगी बट ओवरऑल इट्स क्वाइट नाइस बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी आ रही है दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ सुपर्ब। ऑल द वे अगर आपको मैं बताना भूल गया हूँ कि इन केस यू वॉन्ट एनी कार इन दिल्ली एनसीआर तो आप मेरे डीलर कनेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं गूगल फॉर्म नीचे। अगर आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हो चाहे वो निसान मैग्नाइट हो या निसान का कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई और मैन्युफैक्चरर का हो, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट डील एज वेल एज क्विकेस्ट डिलीवरी ऑन आर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरेज यूनिट देखने को नज़र आएगी, बहुत सारे आपको नॉब्स देखने को नज़र आएंगे एयर कंडीशनिंग यूनिट के। सो दिस इज़ फॉर द ब्लोअर, दिस इज़ फॉर टेम्परेचर एंड दिस दीज मोड्स आर एक्चुअली फॉर अगर आपको पैर पे चाहिए तो पैरों पे या फिर स्ट्रेट आपको चेस्ट पे चाहिए तो वो डिफरेंट मोड्स है कि आपको डायरेक्शन एक्चुअली ब्लोअर का कहाँ दे रहा है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है, इसके साथ में डिफॉग यूनिट, एसी एंड ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वाला स्लॉट है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बाहर से हवा आए तो वो ये उसके लिए है। फिलहाल मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई मिलता है विच इज़ अमेजिंग। एंड अगर आप यहाँ पर स्पेस देखो तो यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को नज़र आएगी, थोड़ा पीछे भी आपको स्पेस देखने को नज़र आएगी जहाँ पर अपनी चाबी वगैरह आप रख सकते हो या फिर आप कप होल्डर रख सकते हो, एक स्पेस आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी, यानी कि स्पेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर प्रैक्टिकलिटी देखोगे तो स्पेस के मामले में काफ़ी सही है। 10 लीटर का आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी डीप है गाइस, और इसके अंदर आप काफ़ी सारे सामान रख सकते हैं जैसे कि अभी भी पड़ा हुआ है सामान के हिसाब से ये जो ग्लव बॉक्स है वो काफ़ी प्रैक्टिकल बनाया गया है। अगर मैं IRVM की बात करूं तो ये मैनुअल ही है, हर एक वेरिएंट में आपको मैनुअल ही मिलता है गाइस। लाइट्स आप देखोगे तो यही इसी प्रकार की जो है वो लाइट्स आपको देखने को नज़र आएगी। यहाँ पर आपको माइक देखने को नज़र आएगा एंड ये जो सन वाइज़र है इसके साथ में आपको एक कार्ड होल्डर देखने को नज़र आएगा। अगर इस वाले की बात करें तो देर इज़ अ वैनिटी मिरर बट विद नो लाइट्स, आपको वैनिटी मिरर तो यहाँ पर देखने को मिलता है बट देर इज़ नो लाइट विच इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आ रही है उसमें मुझे एक्चुअली कोई समस्या है नहीं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर सीटिंग की तो सीटिंग का जो पोस्चर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ क्वाइट नाइस, कुछ प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हेडरूम की तो बहुत अच्छा आपको हेडरूम भी यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। रिक्लाइन एंगल हो, इंक्लाइन एंगल हो, ये सभी चीज़ें जो है वो एकदम एक्यूरेट है। और कुछ नहीं सीट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग ड्राइव पे आपको ये कहीं भी किसी भी एंगल से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। फिलहाल हम चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे और सेकंड रो में चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेस कैसी है एक्चुअली वो ज़रा चेक करते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ फिलहाल तो रियर रो में, यानी कि मैं आ चुका हूँ सेकंड रो में। लेग रूम इज़ क्वाइट इनफ, मतलब मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लेग रूम जो है वो यहाँ पर आपको निसान मैग्नाइट ऑफर करती है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर भी होती हुई नज़र एक्चुअली में नहीं आती है। हेडरूम की ज़रा बात कर लेते हैं तो मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, उस हिसाब से 3 उंगलियां और बचती हैं तो ठीक है, डिसेंट इनफ आपको हेडरूम जो है वो यहाँ पर मिलता है। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन हु इज़ अबव 6 फीट तो मेरे ख्याल में यहाँ कॉम्प्लिकेशंस होनी काफ़ी मुमकिन है। अच्छी बात यह है कि आपके पास में रीडिंग लैंप रियर में ही है, ऐसा नहीं है कि फ्रंट वाली जो है वो शेयरेबल पोर्शन पर लगा दी हो। यहाँ पर आपके पास में एक इंडिविजुअल आपको जो है वो रियर लाइट देखने को नज़र आएगी। ग्रैब हैंडल के साथ में एक कोट हुक भी दिया गया है, हालांकि फिट एंड फिनिश अभी भी हल्की सी मूवमेंट इसमें है तो फिट एंड फिनिश के हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एडजस्टेबल हेड रीस्टेन आपको मिलते हैं तो
हालांकि इनकी क्वालिटी आर डिसेंट एक्सेप्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे एक्सेप्टेबल जो है वो हेड रिस्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिक्लाइन एंगल इज़ प्रीटी नाइस, वहाँ पर भी कोई समस्या आपको होती हुई नज़र नहीं आती है। अगर मैं फ्लोर हम्प की बात करूँ तो ये अपने सेगमेंट में एकमात्र ऐसी गाड़ी जिसका फ्लोर हम्प बिल्कुल भी नहीं है गाइस, तो दिस इज़ वेरी नाइस। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, फ्लोर हम्प नहीं है, जिसकी वजह से जो बीच में बैठने वाला इंसान है उसको यहाँ पर कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ पर बैठेगा तो उसके पैर में कोई ऐसी अड़चन नहीं आएगी, जो एक्चुअली आप देखते हो कि ट्रांसमिशन इसके नीचे से टनल जो है वो जाती है, तो इस वजह से जो है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होने लग जाती है। बट ठीक है, एनीवे यहाँ पर हमें कोई समस्या एज सच होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पीछे क्योंकि मिड वेरियंट है तो यहाँ पर जो है वो आपको आर्मरेस्ट एज सच ऑफर होता हुआ नज़र नहीं आता, और जो इसका आर्मरेस्ट है वैसे मैं बता दूँ वो ग्लास होल्डर के साथ में या कैन होल्डर के साथ में आपको जो है वो मोबाइल होल्डर भी ऑफर करता है। एक क्वार्टर मिरर आपको यहाँ देखने को नज़र आएगा जो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। एंड यस, 3 pointed सीट बेल्ट आपको यहाँ पर ऑफर मिलती है। ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ, कंक्लूड करूँ इसको, तो वी आर हैविंग इनफ स्पेस, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस की एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा आपको कुछ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस भी हम नहीं कह सकते जैसे कि आप XUV 5W या Nexon में ऑफर होते हुए देखते हो, और उनमें थोड़ा सा जो है वो 19-20 का फ़र्क आपको स्पेस में एटलीस्ट देखने को नज़र आने वाला है। बट यस, इट ऑफर्स सबसे ज़्यादा स्पेस इस वाले सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ इन दोनों सीट्स की, तो ये काफ़ी क्लोज रखी गई हैं, जो कपल डिस्टेंस जिसको जो है वो निसान बोलती है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो काफ़ी कम रखी गई है, ताकि कपल्स एक्चुअली एक दूसरे की प्रेजेंस आसपास जो है वो एंजॉय कर सकें। फिलहाल तो हम लोग चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव में जानते हैं ये गाड़ी एक्चुअली में दिख कैसी, चलती कैसी है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो फिलहाल चलते हैं एक ड्राइव पे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग हैं फिलहाल 1.0 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में, और हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, ड्राइव करेंगे तकरीबन 3-4 किलोमीटर की, और बताऊंगा मैं आपको पहले इंप्रेशंस की, ड्राइव के मेरे पहले इंप्रेशंस कैसे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं चलाई है, तो तकरीबन मैं अक्सर जो है वो गाड़ी 40-50 किलोमीटर चलाने के बाद ही डिटेल में रिव्यू करता हूँ, बट बिकॉज दिस कार इज़ न्यू एंड मुझे बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं है इसको बाहर निकालने की, विल बी रिव्यूइंग दिस कार फॉर एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर्स। और अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और लगाते हैं सीट बेल्ट यहाँ पे, क्योंकि 3 pointed सीट बेल्ट है एक्चुअली, एंड देयर वी गो। अभी मैं आपको तकरीबन 30-40 सेकंड गाड़ी चला के बताता हूँ कि मैं एक्चुअली कैसा फील कर रहा हूँ, तो फिलहाल आपको एंगेज कैसे रखूँ। अब थोड़ा सा ट्रैफिक देखो, स्टेयरिंग फीडबैक इज अ बिट हार्ड, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हार्ड जो है वो आपको स्टेयरिंग फीडबैक नज़र आएगा, ऑल दो इट इज़ ऑफर्ड विद द पावर स्टेयरिंग, बट काफ़ी गर्मी लग रही है। एयर कंडीशनिंग यूनिट हम ऑटो पे डाल देते हैं, दिस इज़ गुड थिंग कि आपको जो है वो मिड वेरिएंट में, मिड से भी नीचे वाले वेरिएंट में एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेक्निकली उसमें भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और एसी को फिलहाल जो है वो यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, एक इनिशियल पिक देखते हैं कैसा है गाड़ी का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग से, जो कि है इसका इंजन। गाइस टू बी वेरी फ्रैंक, जिस सेगमेंट में ये आ रही है या जिस प्राइस पॉइंट में एक्चुअली ये आ रही है, जिस सेगमेंट को ये कम्पीट कर रही है, उस हिसाब से ये इंजन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम है सच नहीं लग रही है। हार्शनेस एंड NVH के मामले में नो डाउट आपको ड्राइवर से पहले से ही बता था कि इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ 3-cylinder इंजन। बट एनीवे जो नॉइज़ आती है वो तकरीबन आपको जो है वो 2500 RPM के बाद में जो है वो ज़्यादा आने लगती है, जो कि रेविंग जोन जैसे ही इसका बढ़ता है तब आप देखते हो कि हल्की सी हार्शनेस जो है वो इंजन के अंदर आने लग जाती है। ट्यून्ड इन जो है वो क्लासी तरीके से किया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस सेगमेंट में इसके छोटे वाले वेरिएंट्स आते हैं, यानी ये 1.0 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आते हैं, जिस सेगमेंट में कोई एक्चुअली कम्पीट करती है, जो कि हैचबैक हो गई या कॉम्पैक्ट सेडान्स हो गई, प्राइसिंग के को मद्देनज़र रखते हुए, उस हिसाब से जो है वो इंजन में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा शिकायत आप ढूंढोगे। जैसे कि टियागो का इंजन होगा, वो भी आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं देखते हो, या स्विफ्ट का इंजन तो काफ़ी रिफाइंड है नो डाउट, बट उससे छोटे सेगमेंट में जैसे वैगनार का इंजन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्यून्ड है। बट आप ये देखो ना कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है, उस प्राइस पॉइंट पे आपको एक बेहतर हैचबैक भी ऑफर नहीं होती, ऐसे में वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद द हार्शनेस ऑफ द इंजन एक्चुअली में। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, द ड्राइव इट इज़ हैविंग इज़
ओके, मतलब मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम है सच होते हुए नजर नहीं आ रही है। आप देखोगे जो इसके सस्पेंशन सेटअप है वो पॉट होल्स कवर करने में ओके है, मतलब मुझे नहीं लगता कि सस्पेंशन में कुछ भी है सच प्रॉब्लम। आप ढूंढोगे सस्पेंशन पॉट होल ईजिली कवर कर लेते हैं, वो थर्ड नॉइज़ जो है वो आपके अंदर तक केबिन तक जो है वो ईजिली नहीं पहुंचती है, तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। जो गियर शिफ्ट्स हैं उनका गियर थ्रो जो है वो छोटा है, तो आपको ये सिटी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करने वाली। और क्लच की बात करूँ, ब्रेक की बात करूँ, एक्सीलेटर पैडल की बात करूँ, एबीसी पैडल्स की बात करूँ, तो वो तीनों ही पैडल जो है वो उनके बीच में डिस्टेंसेस काफ़ी हैं, तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा या कन्फ्यूज़ मैं नहीं हो रहा, मेरे फीट जो है वो क्रॉस नहीं हो रहे एक दूसरे को, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में स्टेयरिंग हल्का सा हार्ड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको थोड़ा सा जो है वो लाइट होना चाहिए था। निसान के आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखोगे उनमें स्टेयरिंग की आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ स्टेयरिंग थोड़ा सा आपको हार्ड नज़र आता है, बी इट निसान किक्स और दिस वन। बट येस, जिस तरीके का स्टेयरिंग व्हील आप गो में देखते हो, रेडी गो में देखते हो, वो उतना लाइट नहीं है। मुझे लगता है कि उसका स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है इस सेगमेंट में। अगर मैं व्यू की बात करूँ, यू हैव द अमेजिंग व्यू, काफ़ी ब्रॉड व्यू आपको जो है वो फ्रंट का मिलता है, और आपकी हाइट अगर 5 फुट 10 इंच या उससे ऊपर है तो आप इजीली देखोगे कि जो उसका बोनेट है वो भी आपको नज़र आएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट एडजस्टमेंट आपको इसके अपर वाले वेरिएंट्स में मिलेंगे, तो इन केस अगर आपकी हाइट से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप वो वाला वेरिएंट जो है वो XV ले सकते हैं, XV प्रीमियम ले सकते हैं। ORVM का जो व्यू है लेजिट व्यू है, काफ़ी ब्रॉड व्यू आपको जो है वो इसका ORVM देता है। एंड पीछे के जो IRVM है, जैसे कि मैं IRVM की बात कर रहा हूँ, वो टेक्निकली मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, मतलब जिस हिसाब का व्यू वो पीछे का दे रहा है उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा वो छोटा लगता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम मुझे एज सच व्यू में ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा और चलाते हैं गाड़ी को और जानते हैं इसके बारे में। जो सीट हाइट है वो काफ़ी सही है इस सेगमेंट में, मतलब इस वेरिएंट में एक्चुअली। और अगर आप अपर वाले वेरिएंट ले रहे हो, XV प्रीमियम ले रहे हो, तो आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ एक्चुअली हाइट के साथ में नहीं कर पाते हो। मुझे लगता है कि आप इस गाड़ी को एक्चुअली में बाय कर सकते हो, कोई मुझे बहुत मेजर फॉल्ट है इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मेजर फॉल्ट नज़र आ रहा हो। उस मामले में काफ़ी सही है, सटल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड ब्रेकिंग की कोई भी आपको ऐसा इशू नहीं आने वाली है। आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स ही जो है वो ये गाड़ी ऑफर करती है, एंड पीछे वाले में ड्रम है ऑब्वियसली। मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है इस गाड़ी के साथ में, मतलब यू कैन मेक दिस कार योर रेगुलर कार, और उस हिसाब से ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज भी ऑफर करती है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी कि माइलेज की कोई आपको इशू आ रही होगी। माइलेज आपको काफ़ी अच्छा देती है, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन एक्चुअली है ये, जो आपने ट्राइबर में देखा है, ट्राइबर में भी अच्छा खासा माइलेज क्लेम करते हैं। इसको ओनरशिप रिव्यू मैंने बहुत लोगों के टेस्ट किए हैं, तो ओनरशिप रिव्यू एक्चुअली में ट्राइबर के काफ़ी अच्छे रहे हैं। उस हिसाब से निसान मैग्नाइट के जो माइलेज का कंसर्न है, कुछ लोग परेशान होंगे माइलेज को लेके, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है सच माइलेज में होती हुई नज़र आएगी। फिलहाल तो गाइज ये था मेरा कुछ ड्राइविंग इम्प्रेशन जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और बस फिलहाल तो इतना ही, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज अब कर लेते हैं कंक्लूड, आपको ये वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं, ये गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल से एक सुपर चॉइस रहेगी, मैं थम्स अप देता हूँ इस प्राइस पॉइंट पे आपको, इससे बेहतर डील एटलीस्ट फीचर वाइज और शेप वाइज सेगमेंट वाइज जो है वो नहीं मिलने वाली है। बेटर ग्रैब दिस डील और आप जा सकते हैं, ले सकते हैं, मेरे तरफ से एक थम्स अप है इस गाड़ी को स्पेशली। तो निसान हैज़ डन अ रियली गुड जॉब हेयर। दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी लगी, एक तो इंजन हार्शनेस एंड पावर स्टेयरिंग में जो है वो फील नहीं है, वो सॉफ्टनेस एक्चुअली नहीं है, वो चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इन केस यू वांट दिस कार टू बी एट योर होम, आप नीचे जो है वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं, उठा सकते हैं मेरे रॉयल्टी प्रोग्राम का फ़ायदा, आप डीलर लेवल को कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे जितने भी डीलर्स हैं उनकी रॉयल्टी उठा सकते हैं। बेस्ट डील एंड यू नो कैश डिलीवरी मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ। ऑब्वियसली निसान मैग्नाइट के ऊपर आपको बहुत अच्छी डील्स तो नहीं मिलेंगी बिकॉज ये जस्ट अभी लॉन्च हुई है, बट येस क्विक कैश डिलीवरी में आई कैन हेल्प यू आउट हेयर। सो नीचे जाके फॉर्म भरिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अंडर फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।